हेलो गाइस, मैं हूं अभी से एक और आप सब देख रहे हैं स्टडी भी तभी। तो गाइस, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैद्युत धारा यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है या अदिश राशि है और कैसे है। ओके गाइस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में वीडियो में मैं आपको सदिश जो राशियाँ होती हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी सही परिभाषा बताऊँगा जो कि ऑलमोस्ट 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत बताते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो डेफिनेशन बताऊंगा आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से बता सकते हैं और जिस टीचर को आप बताएंगे वो आप मतलब कि आप जो इस चीज़ को बताएंगे ऐसी डेफिनेशन को तो उसे लगेगा कि आप पढ़ने में अच्छे हैं। ओके गाइस, तो इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत धारा, देखिए वैद्युत धारा में क्या होता है, परिमाण तो होता ही है क्योंकि जब भी हम दिखाते हैं तो जैसे हम बताते हैं 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। ओके, और साथ ही साथ हम इसमें दिशा भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने तीर का निशान लगाया हुआ है। ओके, तो सदिश राशि होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सदिश राशि के लिए सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा होती है। तो देखिए यहाँ पे परिमाण हमने लिखा 5 एम्पीयर और यहाँ पे दिशा भी हमने दिखाई ऐसे। और एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे कोई भी सर्किट होती है तो मान लेते हैं ये हमारी सर्किट है, यहाँ पे हमारा बैटरी लगी हुई है और ये है, तो इस सर्किट में भी हम धारा को दिखाते हैं, परिमाण तो दिखाते ही दिखाते हैं, साथ ही साथ उसकी दिशा भी दिखाते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि वैद्युत धारा में परिमाण भी है और डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये सदिश राशि होनी चाहिए, वैद्युत धारा जो हमारी है वो सदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन ये एक अदिश राशि होती है। वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपने देख लिया ना कि जो वैद्युत धारा होती है उसमें परिमाण तो है ही है, साथ दिशा भी होती है, क्योंकि जो कोई भी सर्किट हो या फिर कोई भी करंट कैरिंग वायर हो उसमें हम दिशा भी दिखाते हैं। ओके, और अगर आपने पढ़ा होगा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो हम मैक्सवेल का नियम लगाते हैं, फ्लेमिंग के नियम लगाते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि हमारा बी किस साइड है, एफ किस साइड है और जो आई किस साइड है, वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ओके, तो इसमें भी हम धारा की जो दिशा देखते हैं, तो इसका मतलब है कि धारा के पास दिशा भी होती है और परिमाण तो होता ही है, तो फिर भी वैद्युत धारा अदिश राशि कैसे है। ओके गाइस, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध है, ओके, वो ये है कि पहला जो तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही है। ओके, मैग्नीट्यूड होगा, ओके, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी में, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, डायरेक्शन, लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, तीसरी चीज़ भी होती है, तीसरी चीज़ होती है कि वो जो वेक्टर के जो एडिशन का जो ट्रायंगल फार्मूला होता है, ओके, जो वेक्टर के एडिशन का रूल होता है उसको भी फॉलो करता है, यानी कि जो सदिश का जो योग का नियम होता है उसको भी फॉलो करता है। वो कैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिए जैसे अगर हम मान लें ये कोई वायर है जिसमें कि 2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, ओके, और ठीक इसी के लंबवत एक दूसरी वायर है जिसमें इसी साइड में 3 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, ओके, और ये दोनों वायर एक दूसरे से इस पॉइंट पे मिलते हैं, ये दूसरे लंबवत हैं, और एक तीसरी वायर यहाँ पे है जिसमें ये दोनों करंट जा रही हैं, तो इसका रिजल्टेंट करंट क्या होगा। ओके, अब देखिए दोनों एक दूसरे से समकोण पर हैं, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों का जो परिणामी होगा उसको हम निकालेंगे इस फार्मूले से, जो कि वेक्टर का फार्मूला होता है परिणामी वेक्टर निकालने के लिए, और दोनों लंबवत हैं तो हो जाएगा 2 एम्पीयर का स्क्वायर प्लस 3 एम्पीयर का स्क्वायर। ओके, ये अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होंगी तो उसके लिए फार्मूला परिणामी निकालने के लिए ये होता है, और अगर हम इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा √13। ओके, इतना, लेकिन जब हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो आई की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आई की वैल्यू हमारा √13 आना चाहिए, 13 एम्पीयर। ओके, इतना, लेकिन जब हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो किरचॉफ के नियम से हमें ये पता चलता है कि जो आई होगा वो इन दोनों के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। एल्जेब्रिक सम होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हो गया 3a, यानी कि हमें ये पता चलता है, प्रयोगों द्वारा देखा जाता है, और किरचॉफ का नियम भी है, किरचॉफ के नियम से हम देखते हैं जो इस सर्किट में धारा होगी इस वायर में वो इन दोनों का
इन दोनों का योग होगा, ओके, यानी कि 5 एम्पियर होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा वैद्युत धारा है वो जो वेक्टर के योग का नियम है, ओके, चाहे वो ट्रायंगल का नियम हो, जो नियम है वो फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम देखिए यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, यहाँ पे जो एडिशन का फार्मूला है, एडिशन का, ओके, ये तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, ओके, वैद्युत धारा में दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जो एडिशन का वेक्टर एडिशन का जो रूल होता है उसको वैद्युत धारा जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट वो फॉलो नहीं करता है। इसलिए वैद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। वो कैसे नहीं करता वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि अगर दो वायर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक में 2 एम्पियर की धारा, एक में 3 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा अगर इस वायर में हम निकालें तो किरचॉफ के लॉ से 5 एम्पियर आ रहा है, और अगर हम इस दोनों को वेक्टर क्वांटिटी माने तो इन दोनों को वेक्टर क्वांटिटी माने तो जो है इतना आ रहा है, जो कि गलत है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया अल्जेब्रिक सम क्या होता है, ओके, बीजी योग क्या होता है। देखिए अगर देखो जैसे दोनों एक ही साइड में हैं तो दोनों को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर ये करंट इस साइड होती तो हम 2 माइनस 3 करते, ओके, इसी चीज़ को हम कहते हैं वीजी, मतलब कि जो जो चीज़ें एक डायरेक्शन में होंगी उनको हम एक साइन से दिखाएंगे और जो चीज़ें विपरीत डायरेक्शन में होंगी उनको हम घटा देते हैं, मतलब माइनस साइन से दिखाते हैं, ओके गाइस। तो आपको समझ में आई कंप्लीट डिफिनेशन क्या है वेक्टर की। जब भी आप वेक्टर की परिभाषा बताएं किसी को भी तो उसमें ये जरूर इंक्लूड करें कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है, दिशा होती है, और साथ ही साथ वो वेक्टर के योग के नियम को भी, यानी कि वेक्टर एडिशन के जो रूल होता है उसको भी फॉलो करती हैं, ओके गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत धारा अगर अदिश राशि है तो क्यों है, क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।